राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? पांचवें नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आज वैसे सुबह का टाइम है, ये भी बोल दूं, काफी लोग पूछते हैं कि टाइम क्या टाइम नहीं बताते आप, तो अभी मैं देखो सुबह सुबह मैंने मुंह धोया और थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं किया, बस लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, पर ये दिख नहीं रही है ना, इसी की लगा दी। तो सबसे पहले तो मैं, बानी दीदी हैं यूएसए से, उनके बेटे का जन्मदिन था पिछले कल, यानी कि 20 अक्टूबर को। तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, रात को मैं बैठ के पढ़ती हूँ सारे, तो ना तो एक चैनल पे बोला ना दूसरे पे, बहुत दिनों से मतलब वो जुड़ी हैं हमारे साथ। तो बानी दीदी के बेटे के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों के बीच में शुभ जन्मदिन है सभी के ही, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और बेटा लंबी उम्र जियो, माता रानी आपको बहुत 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 लंबी उम्र दे और बहुत सारी खुशियां दे, यही मैं दुआ करूंगी। और आज है 21 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर को है शीला देवी, शीला दीदी हैं चंबा से, उनकी दो ट्विंस, इनकी जुड़वा बच्चे हैं, मैंने लिख के रखे हैं आज ना, मुझे वैसे याद नहीं रहती, काफ़ी लोगों को तो भूल भी गई हूँ। और एक है सुनीता कटोच, वो पिछले एक हफ्ते से रोज बोलती है 3 नवंबर बोलती है कि 3 दिसंबर। और एक है शीला देवी चंबा से, उनके बच्चे हैं शुभम और संजना, 16 साल के वो हो गए आज, तो उनको उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारक, और माता रानी उनको बहुत सारी खुशियाँ दे नवरात्रों के उपलक्ष्य में, उनका जन्मदिन है। तो बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी। और कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब सुंदर नहीं, मतलब पता है क्या क्या फर्क पड़ा, पहले जब यहाँ पे मैं वीडियो बनाती थी ना तो बिल्कुल साफ नहीं दिखता था, क्योंकि बिल्कुल ही काली हो गई थी रसोई, तो साफ नहीं दिखता था। तो अभी जो है सुबह ही हो गई, सज धज के तैयार, कहीं नहीं जाना, घास को जाना अभी, तो अभी बहुत सारा काम है आज ही, तो वो कैसे सेट करते हैं वो थोड़ा मैं शाम शाम के टाइम के बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा होगा, एकदम से तो नहीं होगा। बाकी ये देखिए दरवाजों में भी करवा दिया, तो अभी, और यहाँ यहाँ पे ना ठंडी हो गई है, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है जी। मू आज आजो, आ मम्मा, बहुत बहुत प्यार करते हैं ये छोटे छोटे गन्ने, आजा। तो ये सूट ये मैंने डाला है, और बहुत ठंड हो गई है, सुबह मुझे ना मेरी कोट नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारा सब कुछ हमने बाहर फैला के रखा है ना, तो कुछ नहीं मिल रहा था। और आके बनाऊंगी मैं, ये देखो अभी सुबह का टाइम है, लाइट भी जली हुई है। ओए ओए ओए, क्या कर रही है गंदी। तो अभी देखते हैं, एक दो दिन में जाना हमने दुकान, पर्दे वगैरह लेने, ये बंद कर दिया। तो आके मैं बनाऊंगी कद्दू। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि भजन मिसिंग हो गया, कल भजन नहीं गाया मैंने, क्योंकि ये देखो कद्दू, सीताफल, सीताफल नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो चलो अभी चलते हैं खेतों की तरफ। और ओ उल्टा आ रहा है ना अभी, वैसे कैमरे की वजह से आ रहा है, ये सीधा है। तो ठीक है, मैं करती हूँ आपसे बाद में बात, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे दीदी को दूध देने आई हूँ, बड़ी दीदी आई है शिमला से ना, बड़ी बड़ी, तो उन्होंने दूध लगवाया है मुझसे, मतलब देती हूँ उनको चाय के लिए। तो ये देखो ये दीदी का घर, और मैं दूसरे रास्ते से आई इधर को, और दीदी पार घर में मैंने बोला मैं तो मैं आपको ढूंढते हुए पार गई। वो देखो दिलचस्प, मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से हमारा घर कैसा दिखता है। और अभी सूर्य भगवान जी नहीं आए, 6:30 हुए हैं, पर मैंने दूध देके फिर मैंने निकल जाना घास को, सबसे फिर करेंगे पार जो है। देखो क्या हालात है, साफ सुथरा दिख रहा है मेरे घर का जो है। सुबह सुबह लोग जा रहे हैं काम को, ये देखिए दूध देने जा रहे हैं लोग सुबह सुबह। और देखो दीदी वहां से आ रही है, चाचू सुन दूर के आओ, तो बहुत नेर जा रही मां पता हां सच है पुआनी दी के उनको नहीं जो बाल्टी तो सुन ना हां उठी मनाई की से ओ सच इनर कह रहे बाटा दी लनु उंदली नहीं तो बाटा दी पूजोगी जे ना बाटा नहीं उंदली साफ ओ उबली तो टुकड़ टुकड़ हुआ पहले जुड़ जा जुड़ जावे भाई जुड़ जाओ। तो आगे हम घास लेके और हम जा रहे हैं घर को, देखो मैंने क्या उठाया है।
ये है ककड़ी, ये कौन है? अच्छा ये इसका, ये बता व्रत होता है ना खेतों में लगी। गिर भी सकती तो व्रत होता है ना तो दिन को खाती है। मैं और मेरी देवरानी जेठानियाँ बैठ के आराम से, तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ। तो अगर बात करूंगी तो नीचे ये देखो ये आगे जा रहे हैं घास लेके। बस मैंने बनाना खाना, आज काम वाले भी नहीं वो चले गए। और फिर घास लाने के बाद जो है मैंने खाना बनाया वो काम पे गए, और फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ था ना कल का, 2-3 दिन इनके कम से कम कोई 1800 फिर से 600 रुपया दिहाड़ी लेते हैं ना, तो अगर 3 दिन भी लगते अभी हमारे भी दिखना कितना, पर हम सब करेंगे बारी बारी से ना जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो ये कुछ करने को रह गया था, वो तो वो बोल रहे थे कि हमने कर देना, मैंने कहा नहीं हम कर लेंगे। वो जो बचा तो रिशु बना रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था भाई, इन बच्चों के हाथ में फोन होता ना तो ऐसा होता नहीं कि जो कैमरा एक जगह टिका रहे, और बाद में मैंने ध्यान दिया कि मेरे कपड़े गंदे हो जाने। तो ये भी रह गई थी ऊपर मत्थी बोलते जिसको आगे की ना, मैं बोला चलो थोड़ी देर इसको कर लेती हूँ फिर बाद में बेड लगा लेंगे कमरे में, तो ऐसे करके थोड़ा 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 करके, नहीं तो ना अब अंगूठे में इतनी दर्द हो गई है जब। और यहाँ पे रिशु जो है वीडियो बना रहा था और मेरे साथ गप्पे भी मार रहा था, तो हनी रामलीला को जाता है ना तो आजकल वो थोड़ी ज्यादा देर तक सोता रहता है, और उसका क्लासे भी चली होती है, कोई रिशु बना रहा था पता नहीं क्या क्या कर रहा था। तो मैंने ये पौड़ियाँ सारी थी करने को, ये सारी कंप्लीट कर ली, थोड़ा सा अंदर किचन में अलमारी थी वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, वो भी मैंने पेंट करी, पर बहुत थक गई थी मैं, मतलब क्योंकि सुबह ही बहुत काम हो जाता है ना, तो सूर्य कितने अच्छे दिख रहे हैं ना ऐसे, तो इस साइड जो ये मेरा है दूसरे देखो ये तो क्लियर भी नहीं आ रहा, तो ये लहसुन के लिए क्यारी बना रही है। और ये देखो सुबह सुबह मतलब सभी लोग ना अपने काम में लगे होते हैं इस तरह से, कोई कुछ कर रहा है अपने शांत वातावरण होता है, कोई किसी का हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, ये बड़ा सुविधा होती है गाँव में। ये कमलेश दीदी इस साइड अपना काम कर रही, और यहाँ पे फिर मैं पौड़ियों के पास पहुंच गए, रिशु अपनी स्टोरी सुना रहा था, मम्मी रिशु की और हन्नी की ना तबीयत खराब है आजकल क्योंकि दोनों अमरामला को जाते हैं, शानू नहीं जाता, शानू नहीं जाता। अरे मेरी चूड़ियां मेरी कुर्ती के साथ मैच कर रही हैं, मैंने भी अभी देखा। हाँ हाँ तो मैं थक गई यार बहुत ज्यादा, मुझे लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया लगातार लगे हुए। तो देखो ये मैंने खुद कर दिया, 1200 रुपया बचा लिया मैंने। अब तो यहाँ पे बहुत सारा सामान दिखेगा आपको, ये वाली पट्टी पौड़ियाँ जो नीचे को उतरी, और यहाँ से ये वाला ये भी मैंने खुद कर दिया, और ऊपर जो माथी 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 बोलते हैं ना ये वाला, ये भी नहीं की थी। अभी पता उन्होंने क्या बोला था, अभी ये ग्रिलें करने को, ये वाली ग्रिलें निचली ग्रिलें उन्होंने पता क्या बोला था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, 2 दिन लगेंगे भाई, तो 600 रुपया दिहाड़ी है। तो ये देखो ये दिवाली को इस चीज़ में हमारे पकवान बनता है। अब क्या है कि वो चल पड़ी है दूसरी, लोहे की स्टील की जैसी होती है वो कूट की, तो ये पत्थर की होती थी पहले, तो ये मिली मुझे पत्थर की इस बार, तो मैं इसको लेके आई, ये महंगी होती है और सेफ रखनी पड़ती है ये, तो इसमें जो है वो पकवान अच्छी तरह से बनता है, अदरवाइज जो यहाँ पे मतलब नहीं चली है ना उनमें जल जाते हैं और कच्चे रहते हैं, जो हम पकाते हैं इनमें पकाते हैं वो। ये देखो तो ये तैयारी बस माता रानी करे कि सबको खुशी खुशी से दिवाली आए। तो ये तो ऐसे ले ली मैंने, मतलब हमेशा के लिए हो जाती है ली हुई चीज़ ना। और ये चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, फिर मैं वीडियो का कर दूँगी एंड। और मैं ना अब मेरे अंगूठे में बता ये ब्रश पकड़ा ना इतनी देर से, कहाँ गया वो, ये भगवान कपड़ों का कोई पता नहीं कहाँ कहाँ भी चले जाते। ये वाला सूट ना, ये वाला, इसके साथ ये स्टॉल भी है, ये स्टॉल है और सलीन का गुम्बर के लिए बोला था ना मैंने आपको, ये स्टॉल है, ये देखो एक मिनट फोन रख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये देखो
इसके साथ स्टॉल लेना बहुत कम मिलती हैं, तो ये वाला मैंने स्टॉल वाला लिया। सूट भी ऐसा ही है सेम, मेरे से नहीं निकलता वो, इस स्टॉल के खातिर लिया मैंने। सर्दियों में ना ये भी काम आ जाएंगी, और घुंघर नहीं तो और दुपट्टा लेना पड़ता है इसलिए इनके सूट के साथ। कर जाओ ये वो पानी पे आपे लगाई जो तो सूट भी ऐसा ही है। फोन गिर गया था नीचे तो ये, और ये मैंने कर दिया। मेरे अंगूठे में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और अभी ये वाली चीज है करने को, तो मतलब दो नहीं तीन तीन दिन लग जाने थे, पर हम सभी ना इसको खुद करेंगे। अब ये वाला पोर्शन ये भी करेंगे, और सारे लेंटर के चारों तरफ ग्रिले। तो क्या देखो, अभी बहुत काम है पहले, देखो आज हम हॉल का करेंगे। अरे, 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 अरे। क्या तो अभी मुझे करनी है वीडियो एडिट, और एक ये वाली अलमारी है ना, इसमें भी मैंने ये वाला ही कर दिया। बहुत सारा अभी करने को। चलो ठीक है, मैं यही वीडियो का एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको शाम के टाइम। एक कमरे की करी देंगे हम, मतलब अगर कमरे की सामान ही करना होता ना, हम थरटना बोलते हैं जिसको हमारे, अगर सामान रखना होता तब तो हम कर देते दो कमरों की, पर साथ साथ में रंग भी करना पड़ा, पूरे 2 घंटे मुझे उसमें चले गए। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम। और हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, रेड जो बटन होता है ना, और ऑल पे प्रेस करें जरूर। और बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।